पानीपत में अब क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या, चोरी की वारदात के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं चोरी व लूट की घटनाओं का सातिराना अंदाज भी देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही सातिराना अंदाज संभालका के पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच के बाहर देखने को मिला। शंकर ट्रेडिंग की मैंने पैसे दिए थे, बैंक में जमा करवाया, तो मैं गाजी वहाँ से जैसे ही तो वे जो कूलर कर दो जो पीएनआई जी वो लिख कर है वहाँ से जो फार्म भरते आए तो उन्होंने जी फार्म वहाँ फार्म भर रहे थे तो पैसे जैसा मैं उन्हें को दिए दिए मगर जी जमा करवाने हैं फार्म जी तो तुरंत ही कुछ उन्हें कुछ उनका वो हो गया जी कुछ हो गया जी दूसरे का एक हो रहा है जी वो बोला फिर 22 को एक बार बाहर दिखाना है तो इतने में उसने मेरा ये फार्म ना भर गया जी तो वो बाहर लिया बोला एकदम इसको तो सीरियस हालत होगी डॉक्टर के जाना पड़ेगा जिसे लेकर और मैं उसे बोला मगर मैं पैसे तो जमा कर दूँ वो बोला नहीं भी आके ही कर देंगे तुरंत ही तो जी फिर रास्ते में आए जी फिर पैसे खोल दिए। कितने थे? 18,800 थे। किसने दिए थे भाई? ये सेठ जी ने दिए थे जी मेरे जमा करने के लिए। किस बैंक में जाना था? PNB में जी, पंजाब नेशनल बैंक में जी। यह हम नहीं खुद पीड़ित कह रहा है। पीड़ित गौरव ने बताया कि स्पेयर पार्ट की दुकान पर वह काम करता है और मालिक ने उसे 18,500 बैंक में जमा कराने के लिए रुपए दिए। जब वह पैसे जमा कराने का फॉर्म बैंक में भर रहा था तो अचानक उसके पास में खड़ा सातिर लुटेरा तबीयत खराब होने का बहाना करके गिर गया। साथ में दूसरे खड़े साथी ने उसे कहा कि सीरियस हालत में है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना बेहद जरूरी। लेकिन गौरव कहता रहा कि वह पहले पैसे जमा करा दे, लेकिन सातिर लुटेरा नहीं माना और गौरव उसके झांसे में आ गया। बाहर आने के बाद दोनों लुटेरों ने उससे पैसे छीन लिए और छीना छपटी के बाद गौरव के हाथ लुटेरों का फोन लग गया। आलम यह है कि जब गौरव अपनी शिकायत लेकर पुलिस में गया तो पुलिस का जवाब बेहद ही चौंकाने वाला था। इस पर गौरव ने क्या कहा जरा यह भी सून लेते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। क्या कहने लगे? ये कहने लगे भाई ये तो ऐसी घटना होती रहती है, या तो जब लाला जाएगा हो या वो हो गया हो। उन्होंने तो जी कई बात ये कह कर वो सब अपना छुट्टी दिखा उनको मगर ये फोन है जी ऐसे शहर मगर CCTV में एक बार कंगड़वा लो पता चल जाएगा। ये फोन उनका है? हाँ जी उम्मीद तो है ये या लिखाई दी नहीं दिया है। जब गौरव ने पुलिस को शिकायत करने की बात कही तो पुलिस का जवाब कि ये ऐसी घटनाएं आसपास ऐसे हो जब गौरव ने पुलिस को शिकायत करने की बात कही तो पुलिस का जवाब था कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। पुलिस को गश्त बढ़ाने की बजाय ऐसा जवाब देना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या पुलिस लुटेरों को संरक्षण देने में लगी है। बहरहाल सिटी तहलका की खबर चलने के बाद गौरव की शिकायत ले ली गई। यदि यही स्थिति रही तो पुलिस के सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को पुलिस कैसे सार्थक कर पाएगी। इसलिए पुलिस को सख्ती के साथ और आम जन से बात अच्छे से सुने ऐसा करना चाहिए। संभालखा से रतनलाल की रिपोर्ट।